आज स्टेज पर औरंगाबाद हो, अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सिवान हो, गया हो, गोपालगंज हो, और ऐसा कोई बिहार में जिला नहीं है जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही नहीं है। हर लोग सिर्फ एक ही चाहता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कर, अख्तर उल ईमान साहब के जरिए, ये किशनगढ़ की सरजमी है, हम आपसे अपील मुअद्दबाना गुजारिश करने आए हैं कि आज अख्तर उल ईमान साहब बिहार में कोई भी आपका मुद्दा होता है, उर्दू टीटी, उर्दू अनुवादक, मदरसा अजीजिया को जला दिया गया और आपके साथ उर्दू एकेडमी, शमशुल हुदा मदरसा, मॉब लिंचिंग बाबर का, सनोबर का कत्ल, खलील रिजवी को मार दिया गया, अगर कोई भी मुद्दे पे कोई बोलता है उस शख्स का नाम अख्तर उल ईमान है बिहार में और हिंदुस्तान में। अगर आपके साथ चाहे बाबरी की शहादत हो, चाहे सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड हो, चाहे एएमयू किशनगंज का मामला हो, या सुरजापुरी शेर शाहवादी कुलैया बिरादरी के हिस्सेदारी की बात हो, अगर कोई शख्स आपके लिए सबसे ज्यादा वकालत आपका किया है तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच है। दोस्तों, आपने दो सांसद का जलवा देखा, बैरिस्टर साहब के साथ इम्तियाज जलील साहब गए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा में अगर क्वेश्चन उठाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाए। आपकी मदद, आपके साथ चाहिए, आप अपने बेटा अख्तर उल ईमान साहब को भेज दीजिए। जब तीन लोग इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के लोकसभा में जाएंगे तो मोदी हो, राहुल हो, अमित शाह हो, सबको आंख से आंख मिलाकर अगर कोई मर्द मुजाहिद बोलेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी बोलेंगे, मेरे बैरिस्टर साहब बोलेंगे, हमने 2014 में अख्तर उल ईमान साहब की कुर्बानी देखी है, कितने नजदीक से अख्तर साहब ने भाजपा को हराने के लिए कुर्बानी दी। 2019 में किशनगंज में हम कामयाब हुए थे, कोचा दामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, ये चारों हल्के में हमें बहुत अच्छा वोट आया था, कहीं कमी थी बाईसी अमोर में। इस बार आपसे मुअद्दबाना अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से स्टेज पर बैरिस्टर साहब और अख्तर साहब बैठे हैं, हमारी यही दिली तमन्ना है कि लोकसभा में बैरिस्टर साहब के बगल में अख्तर उल ईमान साहब को भेजकर सीमांचल की और बिहार के मजलूमों की आवाज को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।